दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ओम टेक्स में, जहां पे होती है 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड 2019 की तैयारी। दोस्तों, यहां पे क्लास 10th साइंस का 2019 के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, इस चैप्टर के एक दो वीडियो बन चुके थे, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो दोस्तों आपको आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक तथा लवण। दोस्तों, सबसे शुरू करते हैं इसके लघुत्तरी प्रश्न से। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम आपको अति लघुत्तरी प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे और साथ ही साथ ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इधर देखिए, आप देख रहे होंगे 2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, और यही एक ही मतलब प्रश्न एक ही है, 3 प्रकार से पूछा आपसे जा सकता है। दूसरा है यहाँ पे अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तीसरा है अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए, एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम भी लिखिए। दोस्तों, तो आपको उत्तर यहां से लिखना है अम्ल। सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखना अम्ल, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित तथा अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ तथा हाइड्रोजन आयन H3O+ देते हैं, उदाहरण HCl, AQ, एरो लगा करके H+ + Cl-, ये एरो इधर का उधर का दोनों रहेगा, इसको बोलते हैं दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकती है आपकी, चाहे इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे क्षार की। वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OS- देते हैं, उदाहरण HCl, एरो लगा करके H+Cl-, और दूसरा उदाहरण है NaOH, AQ ब्रैकेट में एरो लगा करके Na++OH-, ये हो गया आपका उदाहरण। और प्रबल अम्ल हो गया HCl, हो गया H2SO4, हो गया और HNO3 हो गया। और दुर्बल अम्ल हो गया, सबसे केवल एक दुर्बल अम्ल पाया जाता है, उसे कहते हैं NH4OH, ठीक है, भस्म। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा स्थिर होती है क्यों? ठीक है, आपको उत्तर यहां से लिखना है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार तनु विलयन में पूर्णतः आयनित होकर H+ हाइड्रोजन आयन तथा OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो संयोग करके H2O जल बना लेते हैं। अतः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा वास्तव में H+ तथा OH- आयनों द्वारा H2O की संभवन ऊष्मा है, उसका जिसका मान सदैव -13.7 किलो कैलोरी होता है। यही कारण है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव स्थिर होता है, अर्थात -13.7 किलो कैलोरी होता है। दोस्तों, यहां तक कि आपको इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता से क्या समझते हैं? ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालनी है, अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता, यहां से लिखना स्टार्ट करना है। अम्ल अथवा क्षारकों के आयन की मात्रा उनकी प्रबलता कहलाती है। जिन अम्लों तथा क्षारों के आयन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक कहते हैं। इसी प्रकार जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयन की मात्रा कम होती है उन्हें क्रमशः दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक कहते हैं। यहां तक कि आपका इसका उत्तर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचकों की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, सर्वव्यापी सूचक क्या है? दोस्तों, ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से देखिएगा पूरा। तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। किसी विलयन में इनकी आयनित एवं अनायनित अवस्था के रंग में भिन्नता होती है। रंगों की यह भिन्नता सूचकों की आयनित तथा अनायनित अवस्था के सांद्रण का अनुपात होती है, और सांद्रण का यह अनुपात हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण में परिवर्तन के साथ सूचकों के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अम्लीय सूचकों के द्वारा रंगीन ऋण आयन तथा क्षारीय सूचकों के द्वारा रंगीन धनायन बनते हैं। फिर आप एक हेडिंग डालोगे, सर्वव्यापी सूचक, विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे से मिला करके एक मिश्रण निर्मित किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सर्वव्यापी या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। सर्व
और या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं दोस्तों। यहां तक इसका उत्तर खत्म होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने किसी लवण के जलीय अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, इसका उत्तर आपको यहां से लिखना है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल से बने लवण के जल अपघटन से अम्लीय विलयन प्राप्त होते हैं। उदाहरण अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, एक प्रबल अम्ल HCl तथा दुर्बल अम्ल NH4OH, ऊपर मैंने बताया था ना, का लवण है। इसका जल अपघटन कराने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, H2O एरो लगा करके H+ OH-, ये अभिक्रिया आपके यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो वाला उत्तर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये और आपको अभिक्रिया लिखनी होगी NH4Cl एरो लगा करके NH4+Cl-। ठीक है, NH4+OH एरो लगा करके NH4OH दुर्बल क्षार, H+Cl- एरो लगा करके HCl प्रबल अम्ल। इस एरो के मतलब क्या होता है, चाहे आप इधर से अभिक्रिया कराओ चाहे इधर से अभिक्रिया कराओ, दोनों तरफ से देखिए अभिक्रिया आपकी आएगी। फिर आप थोड़ी सी लाइन लिखेंगे, जल अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ प्रबल अम्ल HCl पूर्ण रूप से आयनित होकर H+ आयन देता है तथा दुर्बल क्षार NH4OH जलीय विलयन में आयनित होकर OH- आयन देता है। इसके कारण विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तथा विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। यहां तक कि आपको इसका उत्तर लिख के कंप्लीट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल का आयनित गुणांक क्या है, 25.0°C पर इसका मान लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है स्पष्ट करें। इसका उत्तर आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, जल का आयनिक गुणनफल, यह स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात KW बराबर H+OH-। 25.0°C पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1×10^-14 होता है दोस्तों। ये हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, पीएच की परिभाषित कीजिए, पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है दोस्तों। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा फास्ट ट्रैक रिवीजन में, तो चलते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में दोस्तों। ये है पीएच मान की परिभाषा। सोरेनसन ने बताया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर -log10 H+ बराबर log10 1/H+, ये हो गया पीएच का मान दोस्तों। और नीचे कुछ बातें लिखी है, अगर आपको लिखनी होगी तो लिख भी सकते हो, यहां से यहां तक की पीएच का मान आपको कंप्लीट करके लिखना होगा यहां तक की। ठीक है, तो ये सब मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप तैयार कर लेना दोस्तों। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, pH 4 का मान के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। पीएच का मान आपने को मैंने वहां पे बताया था, पीएच बराबर -log H+ दिया है, pH 4 पीएच का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर 4 बराबर -log H+ एंटी लॉग ले लेंगे यहाँ पे, 4 बराबर H+ एरो लगा करके H+ बराबर 1×10^-4। यहाँ पे लिखेंगे 0 से 7 पीएच मान के सभी विलयन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अतः दिया गया विलयन अम्लीय प्रकृति का है। यहां तक कि आपको इसका उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10^-10 मोल लीटर है, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन के KW बराबर KH×KOH, ये हो गया आपका फॉर्मूला। विलयन की H+ तथा OH- का मान सदैव KW 10^-14 होता है हमेशा। ठीक है, अतः 1×10^-14 बराबर H+ ब्रैकेट में रहेगा सब कुछ × 1×10^-10 जो ऊपर आपको मैंने यहाँ पे लिया था। फिर उसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, H+ का इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो H+ बराबर 1×10^-4, pH बराबर -log10H+4, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो बस यही है उत्तर आपको यहां तक ही कंप्लीट कर दिए हैं। इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों। तो इस चैप्टर के अभी एक दो वीडियो और बनेंगे, और साथ ही साथ जो वीडियो इस चैप्टर के बन चुके हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि उसमें आधा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया था। चैप्टर बहुत बड़ा है हमारा, अम्ल क्षारक तथा लवण बहुत बड़ा है, मतलब भर का बड़ा है, तो वो ये कम से कम 4-5 वीडियो में कंप्लीट होगा जाकर के। तो अभी आपका जो है इसकी प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए, क्लास 10th
क्लास टेंथ की लिखी होगी प्लेलिस्ट, क्लास टेंथ साइंस यूपी बोर्ड 2019 इंपॉर्टेंट, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो दोस्तों। तो इस चैप्टर में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इन सब का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया गया, सभी लोग जाओ डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो करते हैं दसवीं बारहवीं की तैयारी, आपके दोस्त आपके रिलेटिव आपके घर में कोई भी पढ़ता हो साथ ही साथ दसवीं बारहवीं की तैयारी, तो उनको बता देना हमारे चैनल ओम ट्रिक्स के बारे में कि इस पर जबरदस्त तैयारी हो रही है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीडियो में मजा आया होगा और अच्छे से आपने पढ़ा होगा वीडियो में, तो पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग ओम ट्रिक्स एंड सब्सक्राइब नाउ टू ओम ट्रिक्स चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड वीडियो को शेयर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, दसवीं बारहवीं की तैयारी ओम ट्रिक्स पर चल रही है।